क्योंकि सरकार में हैं आप गृह राज्य मंत्री हैं और गृह राज्य मंत्री का ये भाषा किसी भी तरह से शोभनीय नहीं है। संयम से काम लेना चाहिए, अगर वो संयम से काम नहीं लेते ये तो इनकी उनका ये बड़बोलापन उन्हीं के लिए भविष्य में घातक होगा, उनके लिए नुकसानदेह होगा। नहीं बोलना चाहिए, बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। थोड़ा समय ले लें आप लोगों से, जो भी मीडिया का वहां पहुंचे उसको समय दें, पहले मामले को समझ लें उसके बाद बात करें। किसी डॉक्टर ने कहा कि तुरंत जो मन में आए ऐसे बोलते जाओ। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, वो विषय जो लगातार एक साल से ज्यादा समय हो चुका है यूपी की सियासत पे केंद्र तक दिखाई देता है, और वो है अजय मिश्रा टेनी, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, लखीमपुर खीरी से, लेकिन गृह राज्य मंत्री के तौर पर उनके बेटे द्वारा जिस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने का एक आरोप लगाया था, वो मामला तूल पकड़ा, विपक्ष ने उनके रेजिग्नेशन की मांग की, लेकिन अभी भी अजय मिश्रा टेनी का जो रवैया है, जो उनके तेवर है, वो लगातार आक्रामक है। चाहे राकेश टिकैत पर टिप्पणी करनी हो या फिर खुद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों और मीडिया को भी उन्होंने हाशिए पर लिया है और सीधे तौर पर कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडिया की आड़ में गलत चीजें करते हैं, उन्हें ठीक करने की जरूरत है। उनके बयान को खुद पत्रकार किस तरीके से देखते हैं, वो बात करने के लिए आज हमारे साथ में कुछ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। अब बीजेपी के कार्यालय में हम मौजूद हैं और यहीं पर बातचीत होगी कि आखिर किस तरीके से आप इस विषय को देखा जाए और इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ आज मौजूद हैं आप रतिभान त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ में अशोक राजपूत जी भी हैं, वो भी इसमें चर्चा में भाग लेंगे और अपनी बात रखेंगे। आदित्य सिंह हैं लोकमत हिंदी से, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे साथ में भारत सिंह जी हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपनी बात साफ तौर पर रखेंगे इस पूरे विषय पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सर ये बताइए कि आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मैटर को। पत्रकारों को जिस तरीके से कमेंट किया है अजय मिश्रा टेनी ने, कहा है कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करते हैं, इन्हें सही करने की जरूरत है, क्या देखिए? देखिए कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करते हैं ये अलग विषय है, लेकिन इन्हें सही करने की जरूरत है। ये मंत्री की धमकी है, ये ठीक नहीं है, ये राजनीतिक आचरण के विरुद्ध है। वो व्यक्ति जो नेता हो ही नहीं, केंद्र में मंत्री हो और गृह राज्य मंत्री हो, ये गलत तरीका है। राजनीति में इस तरह की अगर परंपराएं पनपेंगी, मंत्रिमंडल स्तर पर केंद्रीय मंत्री अगर इस तरह की धमकियां देंगे तो ये उचित नहीं है, राजनीतिक माहौल अच्छा नहीं है इस तरह का। साथ उनकी ये जबान, उनकी इस तरीके का रवैया क्या दर्शाता है? मुझे कॉन्फिडेंस इतना है। टेनी लगातार अपनी राजनीति में कुछ इस तरह के घटनाएं करते रहे, कुछ इस तरह से स्लोगन्स लेते रहे, कुछ इस तरह के अपना क्रिएट करते रहे ताकि वो चर्चा में बने रहे। मुझे लगता कि ये सीरियस बात है और टेनी को बहुत संयम से बयान देना चाहिए। वो केंद्र सरकार की गृह राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री का बहुत मायने होता है, उन्हें संयम से काम लेना चाहिए। अगर वो संयम से काम नहीं लेते ये तो इनकी उनका ये बड़बोलापन उन्हीं के लिए भविष्य में घातक होगा, उनके लिए नुकसानदेह होगा। और उन्हें पिछले दिनों तो बहुत बड़ी मुश्किल से मुक्ति मिली है, अभी पूरी तरह संकट से मुक्त नहीं हो पाए हैं उनके बेटे पर जो इल्जाम लगे थे। जानते हुए भी इस तरीके की बयानी वो कर रहे हैं और वो जानते हैं कि मामला अभी भी सेंसिटिव है, चुनाव होने वाले हैं 1.5 साल के अंदर में, भारी नहीं पड़ जाएगा? अब तो ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि उन्हें अपने इस तरह के नेताओं के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट देना चाहिए, उन्हें क्या तरीका अपनाना चाहिए, उन्हें कैसी ट्रेनिंग देनी चाहिए, उन्हें क्या समझाना चाहिए कि वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो जनता के लिए उचित हो, किसी भी समुदाय के लिए उचित हो, पत्रकार समाज के लिए उचित हो या पूरे पार्टी के लिए उचित हो, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो गलत बयानी करेंगे तो वो खुद संकट में फंसेंगे, पार्टी को संकट में डालेंगे, सरकार को संकट में डालेंगे। मुझे ये लगता है कि टेनी को बहुत संयमित बयान देना चाहिए और जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये बहुत भविष्य में उनके लिए खतरनाक हैं, उनकी राजनीति के लिए घातक हैं। ये वो अगर ऐसा करेंगे तो बहुत चिंता का विषय होगा उनके लिए भी। वो ये पहले बार के घटनाक्रम से सबक नहीं ले पाए हैं, अब तो सरकार ने उन्हें बचा लिया, उनके शीर्ष नेतृत्व ने बचा लिया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो लगातार बेलगाम और बेअंदाज हो जाएंगे, उन्हें संयम से काम लेना चाहिए। अशोक जी आप किस तरीके से देखते हैं, कह रहे हैं कि चौथा स्तंभ नहीं होता कुछ, तीन ही स्तंभ होते हैं और चौथे स्तंभ का काम वो प्रचार प्रसार का ही रह गया है, आप इत्तेफाक रखते हैं इस तरीके का बयान जो दिया? देखिए केंद्रीय मंत्री का ये कथन है, इसमें तो कोई शक नहीं कि हम तीन ही स्तंभ होते हैं, लेकिन चौथा स्तंभ अदृश्य रहता है, लेकिन उतना ही है अदृश्य रह करके, फोर्थ है उसको कहीं उनको नहीं, ये उनको नहीं कहना चाहिए था ये कहकर के, उनके एक डिक्टोरियल है, वो अपने जिस क्षेत्र से आते हैं मतलब जीत भी जाते हैं
और क्योंकि गृह अमित शाह जी के साथ वो उनके सहयोगी हैं, इतना बड़ा बवाल हो लिया, किसान को लेकर पूरी सरकार फिक्स रही और खासतौर से बाकायदा उनको तलबी की गई, सब कुछ हुआ, उन सब स्थितियों के बावजूद अगर वो बरकरार रहते हैं तो उनको लगता है कि जुबानी क्या दिखाती है, ओवर कॉन्फिडेंस है, पता है कि नहीं कुछ हो नहीं सकता, अनटचेबल है, या आपको क्या लगता है कि मतलब संगठन के तौर पे सरकार के तौर पे इतना पुश मिला हुआ है कि खुली लगाम? नहीं, सरकार वगैरह या कोई वो तो नहीं, संगठन इस तरह कहीं कोई पुश नहीं करता है, लेकिन क्योंकि अपने जिस क्षेत्र से आते हैं अपने वोटर्स के बीच में, और ये घटनाक्रम जो अभी हुआ किसानों वाला लखीमपुर खीरे में हुआ, उसके बाद उस क्षेत्र से उसी जिले से पूरी की पूरी सीटें जीत करके एक बड़ा, तो ये उन्हें समझ में आता है कि मेरे वोटर को या मेरे जो वोटर्स है शायद इस तरह की चीजें हैं उनको पसंद आ रही है, तो ये उसमें उन्होंने अपने को ये मतलब किसी तरह से बचने से अपने को इनकार किया है। इसका नुकसान भी हो सकता है चुनाव में आगे? अगर ये भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ सोच चुकी होगी, अगर आंकलन नुकसान रहा होता तो इनको उसके गृह राज्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद से उठा चुके होते, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कई गृह राज्य मंत्री रहे हैं और बड़े चेहरे रहे हैं, बड़ी पार्टियों के लोग रहे हैं, अगर ऐसा कुछ लगता कि इनसे ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि उस पूरी बेल्ट में इनको हटाने से अगर कुछ वैसा कुछ करने से होता तो शायद महत्वपूर्ण है क्या पार्टी के लिए वो कि कोई एक्शन नहीं हो सकता, कोई बात कही जाती तो उसके लिए रोका नहीं जा सकता, जरूरी है अभी पार्टी के लिए उनका उस क्षेत्र में रहना? पार्टी के लिए जरूरी तो है कि मुझे लगता नहीं कि अगर पूर्व का मैं अगर जितनी चीजें जानता हूं, पूर्व के जितने मेरे 30-32 साल में मुझे समझ में आता है, ऐसा ग्रांटेड नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार ये भी हुआ है कि उनके पीछे कदम पीछे न हो जाने से और भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहुत कुछ सिर्फ तलबी करना जो एक औपचारिकता ही थी उतनी औपचारिकता उन्होंने की और उसके बाद उनको समझा बुझा दिया, लेकिन फिर वही आती है क्योंकि परेशान वो इसलिए उनका बेटा जेल चला गया, फिर संयम रखने की जरूरत निश्चित सही है, लोकतंत्र में और आप जिस पोस्ट पर जिस तरह से जिन स्थिति पर आप काम कर रहे हैं वहां तो संयम की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप सांसद भी हैं, सांसद को तो संयम बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। आदित्य जी आपको क्या लगता है जिस तरीके से उनकी जबानी है, उन्होंने कुछ शब्दों का हमारे इंटरव्यू में कहा है, कुछ पत्रकार बेवकूफ है, भ्रामक चीजें फैला रहे हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना एक व्यक्ति विशेष या किसी पर टिप्पणी करने के बजाय जनरलाइज करके पूरी बिरादरी पे इस तरीके के सवाल खड़े करना मीडिया की, आपको लगता है ठीक है? मुझे जहां तक लगता है कि एक तो ये किसी इस तरह के बयान देके मीडिया में बने रहना, कहने के उनको उनको राजनीतिक तौर पे उसका लाभ उनको मिलता है, क्योंकि गृह राज्य मंत्री हैं और गृह राज्य मंत्री की भाषा एक संयम होनी चाहिए और पूरे देश की व्यवस्थाओं को उनको देखना होता है, अगर इस तरह की भाषा अगर देश के गृह राज्य मंत्री का होगा तो इसके बाद के सारे इंस्टीट्यूशन पे भी बड़ा उसका असर जाएगा। और जहां तक मीडिया की बात है तो मीडिया चौथे स्तंभ कोई ऐसा संवैधानिक दर्जा तो नहीं है, लेकिन इसको सब लोग मानते हैं कि एक चौथा स्तंभ है और एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, ये देश के और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में इसका बड़ा योगदान है, और उसमें चाहे वो छोटा चैनल हो, छोटे अखबार हो, बड़ा अखबार हो, उद्देश्य आपको क्या नजर आता है? एक पर्टिकुलर मीडिया के संस्थान के लोगों या पत्रकारों को जनरल तौर पे कहने का क्या उनका आशय? मेरा आशय यही है कि चूंकि जिस तरीके से उनके बयानबाजी लगातार आ रही है, ज्यादातर तब जब वो गृह राज्य मंत्री बनने के बाद, इससे उनके कहीं ना कहीं उनको फायदा हुए हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में फायदा हुआ है, अभी चुनाव में विधानसभा चुनाव में बहुत सारी सीटें चुनाव उन्होंने निकाला, वहां पे उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी की सारी विधानसभा सीटें उन्होंने जीती, और अभी जिस तरीके से उन्होंने टिकट पे बयान दिया, बाकी जिस तरीके एग्रेसिव संगठन के लिए और सरकार के लिए एक जरूरी पिलर बन गए क्या वो, उनका बेटा जो कर रहा है या जो उस पर कार्रवाई चल रही है, चलिए ठीक है पिता और पुत्र को एक साथ नहीं रख सकते, लेकिन क्या इतना सबलता मिल रही है उनको आपको लगता है? कहीं ना कहीं संगठन को तो अगर क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में सारी सीटें वहां इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा के अंदर जो भी विधानसभा की सीटें आती हैं सारी सीटें इन्होंने जीत दर्ज की है, तो कहीं ना कहीं तो संगठन को लगता ही है कि भाई चूंकि कर रहे हैं बेहतर, वहां तो परिणाम बेहतर आ रहे हैं, तो संगठन के लिए तो जरूरत है ही है, लेकिन हाँ ये है कि क्योंकि सरकार में है आप गृह राज्य मंत्री हैं और गृह राज्य मंत्री का ये भाषा किसी भी तरह से शोभनीय नहीं है, और इसको पार्टी स्तर भी संगठन स्तर पर भी देखना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पे लगाम लगनी चाहिए, लगाम लगनी चाहिए। भारत सिंह जी आपने देखा होगा, आप तो लगातार राजनीतिक तौर पर कवर भी करते रहे हैं कई समय से, हमेशा पत्रकार को जब बचना होता है तो मीडिया पे आक्षेप डाल दिया जाता है कि फलाना मीडिया संस्थान ऐसा कहता है या ऐसे पत्रकार है,
इस मामले में अगर आप देखें, क्योंकि भाषा का स्तर भी गिर गया और सोच भी गिर गई, ये भी क्या खीज है या किस तरीके से जो उन्होंने बात कही, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो जो उन्होंने अभिरतमान भाई साहब ने कहा नहीं कि उन्होंने धमकाया है, तो ये तो खैर अच्छी बात नहीं कही उन्होंने, ये तो सही बात है कि कोई ऐसा संवैधानिक चौथा स्तंभ नहीं होता है भी नहीं, क्योंकि काम जर्नलिस्टों के इस तरह हैं, हमेशा से रहे हैं कि वो जो तीन स्तंभ हैं वो ये मानने लगे हैं, समाज मानने लगा है कि ये चौथा स्तंभ है। ठीक है, अब कहा तो उन्होंने एक हिसाब सही है, लेकिन जो उन्होंने उसको टेलर के रूप में दिया है, तो अगर उन्होंने बीजेपी की भाषा हो सकती है क्या, बीजेपी के नेता मंत्री तमाम लोग कभी इस तरह के पैटर्न पे पहले आपको दिखे हैं या रहे हैं ऐसे नेता जो इस पैटर्न पे चल रहे हैं? नहीं, मीडिया में बने रहने, आदित्य भयान कहा नहीं कि मीडिया में बने रहने के लिए ये सब इस तरह बातचीत करते हैं, और कुछ रहा होगा, कहीं किसी रिपोर्टर से नाराज रहे होंगे, अभी ढेर सारे पोर्टल आ गए हैं, ढेर सारे वेबसाइट आ गई हैं, तो वो तब आती जब उनसे सवाल किया जाता है उनके बेटे को लेकर के, तब आती है कि जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप इस्तीफा देंगे नैतिकता के आधार पर, उनको लगता है कि मीडिया उनके पीछे लगा है। आपको लगता है इस पूरे मामले में अगर मीडिया ना होता या भूमिका मीडिया की, आप कैसे देखते हैं इस पूरे लखीमपुर कांड में मीडिया की भूमिका? देखिए, मीडिया ने तो अपना पूरा काम किया है, उनको वो अपना ये देखते हैं कि उनका राजनीतिक लाभ कहां से हो रहा है। राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते वो पारिवारिक व्यक्ति भी हैं, किसी का भी जब बच्चा कहीं फंसेगा तो कैसी भी स्थिति होगी वो भावनात्मक रूप से थोड़ा सा वो फेडअप होगा, जब फेडअप होगा तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, उसी में उन्होंने ये बोल दिया, लेकिन उनको ये बोलना नहीं चाहिए था, उनको ये नहीं बोलना था। और इस मामले को मुझे लगता है कि भाजपा को अपनी तरफ से संज्ञान लेना चाहिए, उनको जिससे भाजपा सारे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करती है वो प्रशिक्षण करती रहे, कि जिससे वो कम से कम, भाई केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, छोटा मोटा पद नहीं है, है? और का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है? नहीं, अब वो देखिए, वो खामियाजा भुगतने का तो उनके क्षेत्र वाले जाने, वो जाने, और उनका संगठन जाने, वो जाने, वो कैसे भुगतेंगे कैसे नहीं भुगतेंगे। लेकिन क्योंकि यह रिपोर्टर्स का आपस का एक मामला है, आपने रिपोर्टर्स पे ये बातचीत की है, इसलिए मैं पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी पे एक तरीके का सवाल है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे नहीं। नहीं, पर्टिकुलर मीडिया के लिए जो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं कहा, अब मैं क्योंकि उनकी खबरें लिखता रहा हूँ, मैं दूसरे संस्थानों में रहा तो मैं नारकोटिक्स की मैंने खबर लिखी, तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने रिपोर्टर्स से ये बात उठाई है तो मैं भारत सरकार और सत्तारूढ़ दल से और जो उनका अपनी जांच एजेंसियां हैं मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं, मैं उनसे आह्वान करता हूं कि वह राजनीतिक रूप से जब परिपक्व नहीं थे, अपरिपक्व थे, कार्यकर्ता ग्रुप में थे या साधारण आदमी थे, तो वो पहले क्या करते रहे थे उसकी भी बात उठा लें। तो अगर उन्होंने ये कहा है कि ऐसे, तो ऐसे तो फिर तमाम अब ऐसे ऐसे रिपोर्टर्स की जांच होनी चाहिए जो अनायास आ गए हैं, जबरदस्ती आ गए हैं, है? तो अगर इस तरह उन्होंने कहा है तो उन्होंने सीधे सीधे टेलर दिया है, टेलर दिया है तो भाई उनकी भी जांच हो ना, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जांच करे उनकी, ये क्या तरीका है? जबानी ठीक नहीं है। चलिए, समय कम है तो आखिरी कमेंट लेंगे। सर, आपको क्या लग रहा है, अब बीजेपी का अगर देखा जाए चुनाव के लिहाज से, अगर यही रवैया जारी रहता है टेनी का, तो इसका नुकसान, नफा नुकसान किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, टेनी को नफा नुकसान वाली स्थिति तो अभी मुझे लगता है उस स्थिति में अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन एक मरमरिंग तो हुई है और एक माहौल बना है, और उस माहौल का बस यही है कि विपक्ष उनको, उनका काउंटर करता है, विपक्ष उन पर, सरकार ने आंदोलन को सेट किया था, आप फिर से राकेश टिकैत बैठ गए हैं, राकेश टिकैत पर भी उन्होंने कमेंट किया है, क्या फिर से आग सुलगाने का काम हो सकता है? इसमें कोई शक नहीं कि अजय मिश्रा, फिर वही वाली बात आती है कि वो अपने यहाँ अपने को एक दबंग के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, और सही बात यह है कि शायद वो नुकसान तो बीजेपी को करते ही करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर कहीं आकलन में कर रखा होता तो ऐसा है नहीं, इसीलिए वो चीजें चल रही हैं। इसीलिए प्रतिभान जी, आपको क्या लग रहा है फाइनल कॉमेंट, क्या बीजेपी की छवि के लिहाज से एक राज्य मंत्री केंद्र के इस तरीके की अगर बयानी फिर करते हैं, यही रुख अपनाए रखते हैं, तो फायदा नुकसान या किस स्थिति में देखते हैं? देखिए, फायदा नुकसान पार्टी को भी है और नुकसान टेनी को भी है। अजय मिश्र टेनी केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके पास तमाम जांच एजेंसियां हैं, अगर कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई ठीक नहीं, तो उनसे जांच करा लें, लेकिन धमकी भरे अंदाज में बात करना कहीं से उचित नहीं है, उन्हें संयम बरतना चाहिए, और पार्टी के नेतृत्व को, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको इसको संज्ञान में लेना चाहिए। बार बार अगर वो पार्टी के लिए संकट बनेंगे तो हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व उनके लिए भी कोई फैसला कर ले, फिर तो ये दोनों के लिए बहुत परिहार्य स्थिति हो जाएगी संगठन सरकार, क्योंकि पहली बार वो बड़े मुश्किल से संगठन ने उनके ऊपर बड़ी कृपा की है,
बहुत संयम बरता है, उनको बड़े संकट से बचाया है। वो जिस स्थिति में उन्होंने संकट सरकार को खड़ा कर दिया था, केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को संकट में खड़ा ही किया, केंद्र सरकार को भी उन्होंने संकट में खड़ा किया, इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत संयम बरता, बहुत उदारता दिखाई, बड़प्पन दिखाया और उनको बचाया। अगर वो बच गए हैं तो फिर उन्हें बार बार सरकार को संकट में नहीं डालना चाहिए। पंडित जी, आपको भी ये लगता है किस तरीके से अब जबान पे लगाम लगाने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कम से कम कहने से कुछ भी? मुझे जहां तक लगता है कि ये बिल्कुल एक उनके कहने के राजनीतिक तौर पे उनको इससे फायदा है, क्योंकि अभी वहां पे विधानसभा में बेहतर किया उन्होंने, तो उन्हें लगता है कि अगर इस तरह की बयानबाजी हम करते हैं तो मेरा जो वोटर है, मेरे यहाँ की जो पब्लिक है, वो मेरे साथ आती है और मुझे चुनाव जिताती है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की रणनीति हो सकती है उनकी कि इस तरह की बयानबाजी से, क्योंकि चुनाव के टाइम में आपने देखा होगा कि जमानत में आना, उनके बेटे का आना, फिर सारी सीटें वहां की विधानसभा की सीटें जीत जाना, तो कहीं ना कहीं ये उनके फेवर ग्राउंड पे अगर बात करें, हाँ, उनके फेवर में जा रहा है उनका बोलना, मीडिया को कटघरे में करना, क्योंकि मीडिया का एक बड़ा रोल है उनके बेटे को जेल में जाने के लिए, क्योंकि सारी चीजों को दिखाना और मीडिया को लगे रहना, कंटिन्यूअस एक एक मिनट की खबरें को जनता के बीच में लेके जाना, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा नुकसान हुआ है। और क्या करने की जरूरत है इसमें, क्योंकि बड़ी संगठन अपने आप को कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े संगठन है बीजेपी, और उसके ये कार्यकर्ता हैं और देश के गृह राज्य मंत्री हैं, तो संगठन है तो संगठन को देखना चाहिए इसके बीच में। और चूंकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि चूंकि वहां पे कंट्रोल्ड है और अनुशासन है, तो इस तरह के लोग अगर राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री होंगे जिनकी सुरक्षा भी होता है, सारी एक अहम जिम्मेदारी होती है, सारे इंटेलिजेंस उनके हैंड में आते हैं, और वो व्यक्ति अगर इस तरह की इतनी हल्की बातें करें तो वो ना ही देश हित में है, ना ही जनता के हित में है, और ना ही एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के हित में। हर सिंह जी, आखिरी कमेंट, आपको लगता है संगठन को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को इस पूरे विषय को लेकर के कम से कम अपने रुख को वो नरम रखें, एक एक, एक लाइन में बातों को? हाँ, बात तो सही है, ये इस तरह का बहुत हल्कापन आ जाता है, ये इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्योंकि अब वो मतलब राष्ट्र को नेतृत्व कर रहे हैं वो, तो इस तरह उनको नहीं बोलना चाहिए, बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। थोड़ा समय ले लें आप लोगों से, जो भी मीडिया का वहां पहुंचे उसको समय दें, पहले मामले को समझ लें, उसके बाद बात करें। किसी डॉक्टर ने कहा कि तुरंत जो मन में आए ऐसे बोलते जाओ, और उससे उनका थोड़ा हल्कापन भी लगता है। और संगठन को चाहिए कि ऐसे जितने भी उनके पास लीडरान हैं, जितने भी उस तरह क्षेत्रीय स्तर पे उनके काम कर रहे हैं, उनको उनको प्रशिक्षित करें कि भाई कहीं भी सोच समझ के बोलो जरा, और इससे हम लोगों का भी नुकसान होता है, हम लोग इतना अच्छा काम करें, नवी पर सीधा असर पड़ेगा भाई, सीधा बिल्कुल असर पड़ेगा यार, कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं संगठनात्मक स्तर में, सरकार में भी और योजनाओं पर भी, और हमारा कोई आदमी है जो उल्टा सीधा बोले चला जा रहा है, तो असर तो पड़ेगा ही, कि चाहे जितना अच्छा आपने कुछ किया हो और आगे कोई गोड़ दे उसमें तो खराब लगेगा ना। साफ तौर पर तमाम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, और सबका यही मानना है कि इस पूरे विषय में ना सिर्फ अपनी जिस तरीके का रुख उन्होंने अपनाया, जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग किया, उस पर सोचने की जरूरत है, बल्कि गृह राज्य मंत्री केंद्रीय हैं, उस तौर पर भी कहीं ना कहीं भाषा की मर्यादा का होना जरूरी है। हर कोई अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसकी परिभाषा क्या हो, उसको बोलने का तरीका क्या हो, और अगर वो अमर्यादित है तो उसको भी बनाए रखना कम से कम एक मंत्री के तौर पर बेहद जरूरी मान रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ मैं अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।